हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हम ईवीएस पेपर टू का पोर्शन देखेंगे, जिसमें क्लास सिक्स का चैप्टर एट है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा जॉइंट है और कैसे आखिर हमारा बॉडी जो है वो मूव करता है। तो सबसे पहले इसमें जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको स्फेरॉइड जॉइंट भी कहते हैं। ये ऐसा जॉइंट है जिसमें हम चारों दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे हमारा जो कंधा का जो जॉइंट है, तो हम अपने हाथ को चारों तरफ गोल गोल घुमा सकते हैं। और हमारा जो थाई थाई जॉइंट है, जांग का, जहाँ से पैर जुड़ा हुआ है, वहाँ पैर को भी हम लोग चाहे तो गोल गोल डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फिगर दिया हुआ है। ये जो थाई बोन है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह से है, ये जॉइंट यहाँ पे रहता है जिससे हम अपने पैर को गोल गोल चारों दिशा में घुमा सकते हैं। इसके बाद हमारा है पाइवोटल जॉइंट। ये वैसा जॉइंट है जहाँ पे हमारे नेक हेड से जुड़ता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये पाइवोटल जॉइंट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा नेक और स्कल ये दोनों जुड़ रहा है, इसको पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट के कारण हम अपने हेड को आगे पीछे और दाएं बाएं कर सकते हैं। आप लोग देखेगा दे अपने हेड को नीचे ऊपर और दाएं बाएं करके देख सकते हैं। अगर हमारा जो स्कल है, हेड है, वो इस तरह से मूवमेंट करता है, तो वो है पाइवोटल जॉइंट के चलते ही हमारा हेड जो है वो इस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। इसमें हम सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। अब आप अपना एल्बो एल्बो कोहनी को देखिए, उसको हम सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं। और नी जॉइंट को भी हम लोग, जो घुटने की जॉइंट होती है उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। यहाँ नी का, घुटने का हिंज जॉइंट ऑफ द नी, इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये जॉइंट जो है वो आगे पीछे, इसके मदद से हम मूवमेंट कर पाते हैं। फोर्थ जॉइंट है हमारा फिक्स्ड जॉइंट, वैसा जॉइंट जहाँ पर बोन मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला जो अपर जॉ है और उसके ऊपर जो हेड का पोर्शन है, आप लोग देखिएगा कि हम लोग का जो अपर जॉ है वो फिक्स रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, बल्कि हमारा जो लोअर जॉ रहता है वो मूवमेंट करता है। इसका एग्जांपल में यही लिखा हुआ है, देयर इज़ अ जॉइंट इन बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट। हमारे अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो जॉइंट है उसको हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा स्कल है, यहाँ देखिए किस तरह से फिक्स है हमारा अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा रिब केज। आप लोग महसूस कर सकते हैं कि हमारे चेस्ट में रिब केज होता है, जो कि द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, जो रिब होता है वो बेंट होता है, मुड़ा हुआ रहता है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। ये जो हमारा रिब्स है वो हमारे चेस्ट और हमारा बैकबोन, ये दोनों बोन को जॉइन करता है, इसलिए ये मुड़ा हुआ रहता है और ये मिल के एक बॉक्स बनाता है जिसको हम लोग रिब केज कहते हैं। और रिब केज के दोनों, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के दोनों साइड में 12 12 रिब्स होते हैं। आप लोग देखिए ये हमारा रिब केज है, इसमें ये किस तरह से आगे जो है वो चेस्ट बोन है और पीछे रिब केज ये बैक बोन है, ये इस तरह से बेंड होता है और हमारे चेस्ट बोन और पीछे आप लोग नीचे साइड देख रहे हैं बैक बोन, किस तरह से ये चेस्ट बोन और बैक बोन को जॉइंट करता है रिब केज। ये दोनों साइड 12 12 बोन्स है रिब केज के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेल्विक बोन।
पेल्विक बोन दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक दिस इज़ द पार्ट वी सिट ऑन। हमारा जो स्टोमक के नीचे में जो बोन रहता है वी सिट ऑन इट, हम जिस तरह जो हम बैठते हैं तो वहाँ पे जो उस पोर्शन में बोन रहता है उसको पेल्विक बोन कहते हैं। इसका डायग्राम हम देखेंगे, ये इसका डायग्राम है, ये पेल्विक बोन है। इसके हम जब बैठते हैं तो ये बोन के ऊपर ही बैठते हैं। नेक्स्ट है गेट ऑफ एनिमल्स। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल हैड रिटन दिस बुक गेट ऑफ एनिमल्स। एंशियंट फिलोसोफर जो थे एरिस्टोटल, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स। इसमें उन्होंने मेनली लिखा है कि कैसे अलग अलग एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। जिसमें फर्स्ट है अर्थवॉर्म। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंड इंड टू इंड। हम लोग केचवा देखे ही है, केचवा का जो बॉडी होता है वो बहुत सारा रिंग्स आपस में जॉइन होके उसका बॉडी बनता है। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म में किसी भी तरह का बोन्स नहीं होता है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अर्थवॉर्म में सिर्फ मसल्स होता है जिस जो एक्सटेंड होता है और शॉर्ट होता है। जब आप लोग देखेंगे केचवा जब चलता है तो उसका बॉडी फैलता है और जब वो आगे बढ़ता है तो फिर उसका सिकुड़ता है। इस तरह से अर्थवॉर्म में मूवमेंट होता है। इट्स बॉडी सिक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट। उसके बॉडी के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम हेयर भी बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो निकले हुए रहते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो अर्थवॉर्म के मसल्स से कनेक्टेड होते हैं और ये मिट्टी में उसको एक अच्छी पकड़ बनाने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉकरोच। दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग। आप लोग घर में देखे ही होंगे कि कॉकरोच जो होता है उसका कम से कम तीन पेयर ऑफ लेग होता है। वो उड़ता भी है, चलता भी है। और नेक्स्ट है बर्ड्स। देयर बॉडी आर हॉलो एंड लाइट वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स का जो बोन होता है वो हॉलो मतलब खोखला होता है और लाइट काफ़ी हल्का होता है जो कि जिसके वजह से वो आसानी से उड़ पाते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। बर्ड्स के जो पीछे वाले पैर होते हैं उससे वो चलते हैं और बैठते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कबूतर कैसे दोनों पैरों से चलता है, वो उसका हिंड लिम है, पीछे का पैर है और बैठता भी है। द बोनी बोन्स पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। वो लोग का जो बोनी आगे का जो फोर लिम्स होता है वो विंग्स के रूप में मॉडिफाइड रहता है और उन्हें उड़ने में हेल्प करता है। फिश द हेड एंड टेल ऑफ द फिश। हेड एंड टेल होता है फिश का जो आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। दिस से बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। आप लोगों ने देखा होगा कि मछली जो होती है उसका मुंह और पीछे का जो पूंछ होता है वो दोनों पतला होता है और बीच में जो उसका पेट होता है वो थोड़ा ये फैला हुआ होता है। और द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड, दोनों साइड से बॉडी जो आगे मुंह की ओर और पीछे पूंछ की ओर दोनों साइड पतली होती है इन कंपेरेटिव टू मिडिल एरिया। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। ये इस तरह का जो मछली का बॉडी है इसको हम लोग स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं और ये मछली को हेल्प करती है पानी में तैरने में, पानी में मूवमेंट करने में। इस तरह की बॉडी मछली को बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ ए मस्कुलर फूट। स्नेल जो होता है वो अपने मस्कुलर फूट की वजह से मूवमेंट करता है। नेक्स्ट लास्ट में एक इंसाइट में एनसीईआरटी बुक के इंसाइट में एक दिया हुआ था कि इंटरनेशनल योगा डे कब है, तो आप लोग तो जानते ही है 21 जून को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने
दोस्तों के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करें। ये जो चैप्टर मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसके बाद आपको कोई एनसीईआरटी बुक और अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सीटेट के हिसाब से मैंने काफ़ी शॉर्ट में वीडियो बना दिया है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप बुक पढ़ के देखिएगा तो इन पॉइंट्स के बाहर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उस चैप्टर में। मैंने इस समरी में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू।